हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवीएस एनिमे हिंदी। वन पीस मांगा चैप्टर 1035 का स्पॉइलर आ चुका है और सही बता रहा हूँ, जब भी ओडा ब्रेक में जाता है कोई ना कोई भूचाल जरूर लाता है। तो चलो स्पॉइलर वार्निंग के साथ इस चैप्टर के स्पॉइलर रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का टाइटल बेसिकली होने वाला है जोरो वर्सेस किंग, या कह लो भटकती आत्मा वर्सेस रेड लाइन का पुराना डॉन पेट्रोनोडॉन। अब देखो, पहला स्पॉइलर ही बहुत ही तगड़ा वाला मिला कि आखिर गोल मेटल क्वीन जो है हार चुका है और सांजी थक करके चूर होके गिर जाता है। वैसे होना ही था क्योंकि यार योंको के कमांडर को हराया लोंडा। प्लस नेक्स्ट स्पॉइलर में हमें मालूम पड़ता है कि जोरो ये रियलाइज कर लेता है किंग का जो बैक का जो फ्लेम्स है, जब भी वो गायब होता है ना तो किंग फास्ट हो जाता है, बट उस वक्त उसका डिफेंस गिरने लगता है, डिक्रीज हो जाता है। साथ ही हमें किंग का फेस रिवील होता है, ये देख लो, ग्रे हेयर और ब्राउन स्किन के साथ प्लस ब्लैक विंग। भाई ये है लूनारियन ट्राइब का ट्रू आइडेंटिटी। और हाँ, हमें ये भी मालूम पड़ता है अगर कोई जाके वर्ल्ड गवर्नमेंट को ये इन्फॉर्मेशन दे दे तो उसे वर्ल्ड गवर्नमेंट 100 मिलियन बेरीज देती है। वैसे किंग का बाउंटी तो यार बिलियन में। इतना कुछ रिवील हो गया, बवाल मच गया, क्वीन हार गया, किंग का फेस रिवील हो गया, जोरो ने उसकी कमजोरी तलाश ली, पर फिर भी नहीं रुको, अभी तो और बवाल होना बाकी है। हमें यहाँ पे मालूम पड़ता है कि आखिर काइडो और किंग कैसे मिले थे। जब डॉक्टर वेगापंक काइडो के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो वहां पर किंग भी था और वहीं पर किंग और काइडो दोनों साथ में मिले थे। मैं ये जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि आखिर डॉक्टर वेगापंक कैसे दिखता होगा। खैर, किंग का रियल नेम अल्बर या अल्बर्ट या एल्बेल ऐसे ही कुछ नाम है, अभी तक प्रॉपर तरीके से रिवील नहीं हुआ है, जब ट्रांसलेशन आएगा सही से हमें मालूम पड़ जाएगा। खैर, नेक्स्ट हमें जोरो और किंग का फाइट के तरफ ले जाया जाता है, जहां पर किंग अटैक करता है ओमरी केरोडोन, अगर मैं नाम सही से नहीं ले रहा हूँ माफ कर देना, मेरा प्रोनाउंसिएशन तुम लोग जानते हो। साथ ही जोरो भी एक नया स्पेशल अटैक करता है जिसका नाम है ड्रैगन किंग ऑफ द थ्री फ्लेम्स। यही था आज का चैप्टर का स्पॉइलर। देखो मेरे हिसाब से ये वाला चैप्टर इंटरनेट में बवाल मचाने वाला है, क्योंकि ओडा ने बहुत सारी चीजें जो है रिवील कर दी। पहली चीज तो हमें किंग और सांजी का बैटल का रिजल्ट देखने को मिलता है, प्लस किंग का बारे में हमें मालूम पड़ता है, साथ ही काइडो और किंग कैसे मिले थे वो चीज भी हमें मालूम पड़ता है। और हाँ, क्वीन चूतिया हारा है, चलो शांति मिला, क्योंकि मैं उसका बकबक सुन सुन के पक चुका था। मैं बस एक चीज देखना नहीं चाहता कि नेक्स्ट चैप्टर में जोरो किंग को हरा दे, सिंपली मैं कहना चाहता हूँ। 1036 की बात करो, 1035 की नहीं, क्योंकि 1036 मेरे हिसाब से फाइट को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। यार एक ही तो वीकनेस ढूंढा है लौंडा, और मैं चाहता हूँ बवाल फाइट हो। खैर, एट द एंड वो तो ओडा ही करेगा, उनका जो मर्जी करेगा, पर हाँ मैं ये चैप्टर इंजॉय करूंगा जब इसका चैप्टर आएगा और मैं इसका रिव्यू भी करूंगा। तो खैर यही था आज के स्पॉइलर। और हाँ यार, मुझे आज थोड़ा काम है तो इस वजह से मैं जा रहा हूँ जमशेदपुर। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब मारो, बेल आइकन ऑन करो। अगर रेड मूवी के लिए पेटीशन पे साइन नहीं किया तो पेटीशन पे भी साइन कर देना। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अब भी के लिए बाय।